नमस्कार दोस्तों, मंगलवार के दिन आसान उपाय जो जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और कर्ज मुक्ति से लेकर हर मनोकामना पूरी कर देते हैं, आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाय। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी को विधि विधान से पूजन करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए भक्त मंगलवार के दिन व्रत भी रखते हैं। मंगलवार के दिन ग्रहों की स्थिति शुभ करने के लिए पूजा अर्चना भी की जाती है। मंगलवार का सीधा संबंध मंगल ग्रह से भी होता है। मंगल को ऊर्जा का कारक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को कुछ उपायों को करने से हनुमान जी के प्रसन्न होने के साथ ही जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। जानते हैं मंगलवार के कुछ उपाय। मंगलवार के दिन राम मंदिर जरूर जाना चाहिए। हनुमान जी के दर्शन के साथ भगवान राम और माता सीता के दर्शन करना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से बजरंग बली की मनोकामना हमेशा पूर्ण कर देते हैं। बजरंग बली के दर्शन बिना श्री राम के दर्शन के अधूरे माने गए हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन उन्हें पूजा के दौरान गुलाब की माला या केवड़े का फूल इत्र अर्पित करना चाहिए और वहीं अकाओ के पत्ते की माला भी अर्पित करना चाहिए। पीपल के पत्ते की माला दुखों को नाश करने के लिए होती है। अगर आप पीपल के पत्ते की माला जरूर अर्पित करेंगे तो आपके दुख नष्ट होंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाकर राम रक्षा स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है व हनुमान जी की कृपा से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर जाना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक एक शुद्ध घी के दीपक को जलाना चाहिए। अगर सरसों का तेल नया हो तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या गाय के घी का दीपक आप अवश्य प्रज्वलित करें। ऐसा करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी को चोला जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर चोला नहीं तो आप सिंदूर अर्पित करें, उन्हें थोड़ा सा सिंदूर लेकर उनके चरणों में जरूर लगाएं, इससे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन पीपल की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और हनुमान जी भक्तों को माला माल कर देते हैं। यूं तो गाय को हर दिन रोटी खिलाना शुभ माना जाता है, लेकिन मंगलवार के दिन लाल गाय को रोटी देना हनुमान जी से प्रसन्नता पाना होता है। हनुमान जी लाल गाय को रोटी खिलाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को हनुमान मंदिर में नारियल रखना भी शुभ माना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा और ज्यादा बढ़ जाती है और वह हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। मंगलवार के दिन तांबा मातांड से सोना, केसर कस्तूरी, गेहूं लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, शेर, मृग छाल, मसूर की दाल, लाल कनेर, लाल पत्थर आदि चीजों से दान करने से इनका इस्तेमाल का विशेष महत्व माना गया है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला भी अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से हनुमान जी भक्त पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। पूजा के दौरान हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए और बिना तुलसी के कोई भी भोग अधूरा माना गया है, तो हनुमान जी को तुलसी के साथ भोग लगाना चाहिए और बेसन के लड्डू अति प्रिय हैं, इसलिए बेसन के लड्डू जरूर भोग में लगाएं। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ भी फायदा होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तभ्यम लिखना ना भूलिएगा। और भी कई ऐसे उपाय हैं जो हमने पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा कहे गए उपायों को डाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुँचें। ऐसे ही कई उपायों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम।